नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल चूल्हा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ टी टाइम स्नैक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू और पोहा का पकौड़ा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए: उबला हुआ आलू, चावल का आटा, दरदरा पिसा हुआ पोहा, मैदा, धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, नमक, कुटी हुई काली मिर्च और चिली फ्लेक्स। चलिए पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू को मैश कर लें। इस तरीके से एक एक करके मैश करते जाएंगे। चलिए अब हम इसमें बाकी की सामग्री डाल लेते हैं। अब हम इसमें 4 छोटा चम्मच चावल का आटा डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और ढेर सारी धनिया पत्ती। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर थोड़ा सूखा दिख रहा है, अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच के लगभग पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अब हमने चावल आटा और आलू से इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसकी टिकिया बना लेंगे। चलिए अब हम आलू और इस चावल आटा के टिकिया बनाने से पहले हाथों में थोड़ा सा इस तरीके से तेल लगा लेंगे। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा पोषण लेते हुए टिकिया बनाते जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरीके से गोल करेंगे, ऐसे हल्का सा इस तरीके से दबा लेंगे। इस तरीके से हमें सारे इस मिक्सचर का टिकिया बना लेना है। आलू और चावल आटे के मिश्रण से हमने इस तरीके से टिक्की तैयार कर लिया है। चलिए अब हम बाकी के प्रोसेस कर लेते हैं। अब हम इस कटोरी में 5 चम्मच मैदा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। अब हमने मैदा का इस तरीके का घोल तैयार कर लिया है। चलिए अब हम पकौड़ा तलने के लिए तेल गरम कर लेंगे। अब हम तेल गरम होने देंगे। अब हमारा तेल भी गरम हो चुका है, चलिए अब हम पकौड़े तल लेंगे। तो सबसे पहले हम टिक्की को इस तरीके के मैदा के घोल में डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसे हल्का सा इस तरीके से हिला लेंगे ताकि एक्स्ट्रा मैदा का घोल है वो निकल जाए। फिर उसके बाद इसे हम पोहा में इस तरीके से दोनों साइड से पोहा को लगा लेंगे। चलिए अब हम इसे तलते जाएंगे। चलिए अब हम पकौड़ा तल लेंगे। पकौड़ा तलने समय तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इस तरीके से पकौड़े डाल के तलते जाएंगे। चलिए अब हम पकौड़े को पलट लेंगे। इस तरीके से एक एक करके पलट लेंगे और हम इसे पकौड़े को मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे ताकि अंदर से क्रिस्पी हो सके। चलिए अब हम पकौड़े के दूसरी तरफ को भी पलट के पका लेते हैं। इस तरीके से सारे पकौड़े को पलट लेंगे और दूसरी साइड को पका लेंगे। टोटल हमें मीडियम फ्लेम में इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लेना है। चलिए अब हमारे पकौड़े को मीडियम फ्लेम में पकते हुए 5 मिनट हो चुका है। अब इसे पकौड़े को हम निकालेंगे। इस तरीके से चम्मच को साइड में तिरछा कर लेंगे ताकि सारा तेल है कढ़ाई में चला जाए और पकौड़े को निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के पकौड़े को भी तल लेंगे। अब हमारा आलू और पोहा का पकौड़ा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए।